हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीरा देवी लेटेस्ट कटिंग चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं पैंट प्लाजो। तो प्लाजो किस तरीके से बनते हैं पैंट प्लाजो, तो देखिए फ्रेंड्स हमें प्लाजो किस तरीके से बनानी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करते हुए इसकी सबसे पहले हमें लेंथ ना रख लेनी है कि हमें लेंथ कितनी चाहिए होती है, उसके ही अनुसार हमें ये बनाना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है इस तरीके से, डबल बार फोल्ड कर लिया और डबल बार। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दूसरी बार यानी कि फोल्ड करके चार तह बना करके इसकी तैयार कर ली। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से चार तह बन के तैयार हो चुके हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने इसकी कितनी लेंथ रखनी होती है, तो लेंथ रखेंगे हम 36 इंच। तो देखिए फ्रेंड्स, 36 इंच हम इसकी रख लेंगे। पहले इसकी हमें गोलाई रखनी होती है, तो गोलाई को रखेंगे हम। तो देखिए फ्रेंड्स, गोलाई रख रहे हैं हम, हमारी है 40, तो हम रखेंगे 10। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 10 इंच रख लेनी है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा यानी कि कम है तो हमने एक्स्ट्रा कर लिया। एक्स्ट्रा करते हुए कुछ इस तरीके से, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इस तरीके से तैयार कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने लिख करके ये तैयार कर लिया कि हमें कितना रखना होता है, उसी के ही चौथाई अनुसार पे लंबाई कितनी रखनी है। लंबाई तो हमें कंप्लीट रखनी होती है, लेकिन गोलाई जो होती है तो उसका चौथाई लगाना पड़ता है। 40 है तो 10 आएगा। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से रखते हुए अब हमने इसकी लेंथ रख लेनी है। सबसे पहले हमें हिसार कर लेना है नाप लगाने से पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से नाप लगाने से पहले हिसार कर लेंगे, तो हिसार करके तैयार कर लेना है। और तैयार करते हुए कुछ इस तरीके से, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 इंच लास्टिक के लिए लिया है। सबसे पहले हमें लास्टिक जहाँ पर डालनी होती है फोल्ड करने के लिए, ये 2 इंच है। अब बचा हमारा ये, तो फैब्रिक हम इसका कंप्लीट रखेंगे 36 इंच। और यहाँ पर मोहरी रखेंगे हम, अगर आपको कम मोहरी चाहिए तो 6 इंच के यानी कि 1 इंच इसमें सिलाई जाता है तो हमें रखना होता है 7 इंच। अगर हमें ज़्यादा मोहरी बनानी है, लेकिन मुझे ज़्यादा बनानी है जैसे प्लाजो बनानी होती है, तो हम 10 इंच रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी मोहरी रह जाएगी 9 इंच, 1 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो उसी के अनुसार रखते हुए देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर, और ये म्यानी रखेंगे हम, म्यानी का रखते हैं हम 13 इंच पे। तो 13 इंच पे हम म्यानी रखते हैं तो हमारा कंफर्टेबल होता है, यानी कि बहुत अच्छा होता है, उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 13 इंच पे निशान लगा करके ये तैयार कर लिया। और यहाँ से हम इस तरीके से गोलाई देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, गोलाई देते हुए कुछ इस तरीके से,
से संबंध हर न्यू डिजाइनर वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट में लिखना और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने पैंट प्लाजो किस तरीके से बना के तैयार कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे तरीके से और बहुत कम समय में 10 इंच की मैंने ये 9 इंच की मोहरी रखी है इसकी। और देखिए फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, बहुत ईजी तरीके से हमने बना के तैयार कर दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा प्लाजो ये तैयार है। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए डिजाइन के साथ। तब तक के लिए ओके बाय। सिलाई से संबंधित न्यू डिजाइनर वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट में लिखना और शेयर करना ना भूलें।